पेशावर में डेंगू के बढ़ते हुए केसेस के बाईस जिले इंतजामिया की जानिब से स्विमिंग पूल्स पर नहाने पर पाबंदी आयद की गई है। स्विमिंग पूल इंतजामिया को पूल से पानी निकालने का भी हुक्म जारी किया गया है, लेकिन इन अहकाम पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया जा सका है। शहर के बेशतर इलाकों में न सिर्फ स्विमिंग पूल खुले हैं बल्कि पानी से लबालब भरे हुए भी हैं। टाउन वन में शाही बाग में वाक़ स्विमिंग पूल में पाबंदी के बावजूद बच्चों के नहाने का सिलसिला जारी था। दुनिया न्यूज की टीम के पहुंचने के बाद इंतजामिया ने स्विमिंग पूल बंद करने का इंदिया दिया। टाउन टू में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, जहां अभी तक जिले इंतजामिया के अहकाम पर स्विमिंग पूल मालिकान अमल दरामद के लिए तैयार नहीं। डेंगू का बहुत खतरनाक बीमारी है, तो इसकी वजह से बड़े ने ये बताया कि अभी आपने जो है ये खाली करके साफ करके पानी से। हमने अखबार में देखे कि आए कि पूरी बंद करो, तो हमने बंद किए जी। ये हमारा टेक है, तकरीबन ये दो माह और भी टेक है, ये चल सकते हैं ना। तो जब हम इसका पैसे जमा कराते हैं, जब हमें नोटिस नहीं दिया जाए, हम तो खुद नहीं बंद करा सकते ना। दूसरी जायंट डेंगू से सबसे ज्यादा मुतासर टाउन थ्री में 3 से ज्यादा स्विमिंग पूल को सील कर दिया गया है। ये मेरी इन्फॉर्मेशन में आई है, इमीडिएटली अभी यहाँ से टीम्स डिस्पैच करते हैं। हमने ऑलरेडी कम्प्रिहेंसिवली बैन लगाया हुआ है कि स्विमिंग पूल्स के लिए टिल कि हम इस पे नहीं पहुँचते। इसी तरह हमने न सिर्फ स्विमिंग पूल्स के लिए बल्कि जितने सर्विस स्टेशन हैं और CNG स्टेशन हैं उनकी भी कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग भी की जा रही है, और उनको हमने डिटेल SOPs भी दिए हैं कि उन्होंने। जिले इंतजामिया की जानिब से सर्विस स्टेशन को भी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई है। कैमरामैन मोहम्मद हयात के साथ मुसरतुल्ला, दुनिया न्यूज़, पेशावर।